हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू आई होप यू आर एल वेरी वेल आज मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर का थर्ड चैप्टर करवाने जा रही हूँ थर्ड चैप्टर द यंग टर्किश कैटास्ट्रॉफ टर्किश जो है उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में इलेक्शंस की बात हो रही है वीमेन को पहले पावर नहीं वीमेन के पास पहले राइट right नहीं था कि वो वोट डाले पहले सिर्फ मैन को राइट right था कि वो वोट डाल सकते थे क्योंकि उस टाइम पे फीमेल को अनइंटेलिजेंट समझा जाता था उनको समझा जाता था कि उनको इनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है इसलिए वो जो है उनको वोट का राइट नहीं देना चाहिए तो इस चैप्टर में उसके बारे में बात की गई है कि कैसे वीमेन को राइट मिलता है और कैसे जो यंग टर्किश पार्टी है वो जीत जाती है तो हम पढ़ने जा रहे हैं समरी द सब सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर इंजीनियरिंग है रिसेंटली बीन एडिड टू द डिपार्टमेंट ऑफ द मिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट कहते हैं कि जो न्यू सेक्शन था इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल uh, इंजीनियरिंग का उसको ऐड कर दिया गया था अभी अभी किसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट के साथ ही पेड आ विजिट टू द ग्रैंड विजटर उसको उसने एक वो किसके पास गया ग्रैंड विजर के पास गया ऑन बिजनेस बिजनेस के, के पर्पज पे ही मेड नो रेफरेंस टू द मैराथन रेस उसने मैराथन रेस की कोई रेफरेंस नहीं दी फॉर द वीजर हैड अ प ग्रैंड मदर और वीज़र की जो ग्रैंड मदर थी वो पर्शियन थी सडनली ही आस्कड इफ वीमेन वर हैव टू वोट्स अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सडनली उसने क्या कहा कि अगर वीमेन के पास वोट का राइट हो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग द वाइजर सेड वाइजर कहता है द वीमेन हैड ना इधर सॉल नोर इंटेलिजेंस कहता है कि वुमेन के पास ना तो आत्मा है और ना ही कोई उनके में ज्ञान है सो इट वुड बी स्टूपी टू अलाउ दैम वोट्स का तो तो तब ये तो बात बिल्कुल स्टूपिड मूर्खों वाली होगी ना उनको वोट का राइट देने की द मिनिस्टर सेड दैट दे वर सीरियसली कंसिडरिंग द आइडिया इन द वेस्ट कहते कि मिनिस्टर बोलता है कि हमने कंसिडर किया है ध्यान दिया है इस आइडिया पे वेस्ट में टू दिस टू दिस द वाइज़र रिप्लाइड दैट दे मस्ट बी मोर सीरियस तो इस पर वाइज़र का रिप्लाई होता है कि दे मस्ट बी मोर सीरियस उनको भी सीरियस होना चाहिए बट मोस्ट विमेन डि नॉट नो हाउ टू राइट और रीड कहता है कि पर बहुत सारी विमेन तो ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि लिखना कैसे है और पढ़ना कैसे है मतलब कि वो अनपढ़ हैं सो दे कुड नॉट परफॉर्म दपरेशन ऑफ वोटिंग तो जिनको पढ़ना लिखना तो आता नहीं है तो वो कैसे जो है वोट को ऑपरेट कर सकती हैं द मिनिस्टर सेट दैट दे कु द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द प्लेस वीअर टू पुटा क्रॉस मिनिस्टर बोलते हैं कि दे कुड शोन द नेम उनको नाम दिखाए जाएँ कैंडिडेट के एंड द प्लेस वीयर टू पूटा क्रॉस और वो जगह जहाँ पे उन उन्होंने वोट डालनी है लेटर ही सेट दैट ही मिटन द रिसेंट रैंक विच द यंग टर्किश पार्टी वुड लाइक और उसके बाद वो मार्क करना चाहिए जो टर्किश यंग टर्किश पार्टी को अच्छा लगे द वाइजर सेट दैट इफ दे वर दे वर टू डू द थिंग्स एट ऑल दे मस्ट डू इट थ्रो एली कहते हैं कि अगर हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं सभी चीजें तो हमें ध्यान से करनी चाहिए ही वुड इशू इंस्ट्रक्शंस दैट वीमेन हैव टू वर टू हैव वोट कहते हैं कि इसके बारे में हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है इशू होंगे कि हम वुमेन को है जो वोट का राइट right दे रहे हैं दो द पोल वॉज ड्राॅंग टू क्लोज अब वोट है जो डालने का दिन नज़दीक नि, आ रहा था दंग टर्किश पार्टी कैंडिडेट वॉज लीडिंग बाय थ्री और फोर हंड्रेड वोट्स यंग टर्किश पार्टी है जो वो तीन और चार हजार वोट से आगे चल रही थी ही हैज फाउंड द इलेक्शन ऑफ वेस्टर्न लाइन्स उन्होंने वेस्टर्न लाइन से इलेक्शन जीतना था लड़ रही थी उनके साथ एंडवा श्योर ऑफ इस विक्ट्री और उनको श्योर था कि उनकी विक्ट्री पक्की है ड्राइवर्स ऑफ हिज मोटर कार हैड अमंग हिज ओपोनेंट जो ड्राइवर थे कार के मोटर कार के उन्होंने क्या किया अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट गाड़ियां ले आए बट नाउ द अराइवल कैंडिडेट अली द बीस्ट अराइव ऑन द सीन विद सिक्स हंड्रेड वुमेन फॉक पर उनके साथ जो आदमी आया था कैंडिडेट आया था अली द बेस्ट वो अपने साथ छः सौ औरतों को लेके आया था द यंग टर्किश कैंडिडेट हु हैड वन वाइफ आफ्टर द वेस्टर्न कस्टम एंड नो मिस्ट्रेसिस यंग टर्किश कैंडिडेट है जो उनके पास ई की वाइफ थी आफ्टर द वेस्टर्न कस्टम्स एंड नो मिस्ट्रेस और कोई मिस्ट्रेस नहीं थी स्टूड बाई हेल्पलेसली वो मतलब बिना किसी हेल्प के खड़े रहे वहाँ पे ही कुड नेवर हैव एक्सपेक्टेड सच आर टर्न ऑफ इवेंट्स उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह से हम तीन चार सौ से जब लीड कर रहे हैं तो हम एकदम से गिर जाएंगे बट अली वॉक्स होम

काफ़ी वाइफ्स का ऑफ हाउ मैनी वाइफ्स भी आपके स पास कितनी वाइफ्स हैं तो इस तरह से मतलब ये चैप्टर क्या क्या की समरी क्या है जस्ट नॉर्मली कि जो जंग टर्किश पार्टी है उन्होंने सोचा कि हम वेस्टर्न के अगेंस्ट लड़ रहे हैं तो वो वुमेन को वोट का राइट दे रहे हैं तो हमारे पास भी वुमेन का राइट होना चाहिए तो हाँ हमारे पास तो एक एक वाइफ है बट उनके पास वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग दो दो तीन तीन काफ़ी वाइफ हो सकती हैं तो हम जो है हार जाएंगे मिनिस्टर बोलते हैं पर जो वाइजर होता है वो कहता है कि विमेन है जो वो मूर्ख होती हैं सॉयल नहीं होती उनको वोट का राइट नहीं होना चाहिए मतलब ओवर कॉन्फिडेंट था वो बंदा बाद में जब पोलिंग होती है पोलिंग हो रही है तो उसके बाद जब उसको लगता है कि तीन चार सौ वोट से हम तो बहुत आगे लीड कर रहे हैं हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता तो उस टाइम पे अली द बीस्ट आता है जो पर्शियन होता है और अपने साथ छः सौ औरतों को लेके आता है और उनकी वोट के जरिए यंग टर्किश पार्टी है जो वो हार जाती है और वेस्टर्न जो होते हैं वो जीत जाते हैं तो अली बीस्ट है जो वो कहता है कि आप जो वाइफ पर्शियन के कल्चर के अकॉर्डिंग जितनी वाइफ होंगी उतनी आपको फ़ायदा होगा मतलब इसमें वुमेन को वोट देने का राइट है जो उसकी बात की गई है कि उनको भी वुमेन को वोट का राइट होना चाहिए ठीक है बेटा उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो ओके okay? और अगर कोई दिक्कत लगती है कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो ओके okay बेटा ओके बाय बाय